मूवी बहुत बढ़िया थी, डायरेक्शन बहुत अच्छा था, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा था, स्टोरी बहुत अच्छी थी, स्टोरी बहुत मतलब उसमें कॉमेडी थी, आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, एंड में उन्होंने जो एक सीख दी है वो भी बहुत अच्छी थी। तो ओवरऑल पैसा वसूल था और जैसा तिवारी जी से एक्सपेक्टेशन थी कि भाई मूवी बहुत अच्छी होगी तो, और वही हुई। हाँ सॉन्ग्स अच्छे थे, प्रीतम का म्यूज़िक अच्छा था, एवरीथिंग इज वाज ओके, और केके का सॉन्ग एक अच्छा था जिस वर्ड्स मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन केके का सॉन्ग काफ़ी दिनों बाद सुना तो वो भी बहुत अच्छा लगा। मैसेज जो लास्ट में दिखाया है फेलर और विनिंग के ऊपर, वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट मदद दिया है। बेस्ट पार्ट बहुत सारी चीज़ें थी, मैं एक चीज़ तो बता नहीं सकता हूँ, फ्रेंडशिप के ऊपर बहुत अच्छा बताया हुआ था, विनिंग लूज के ऊपर अच्छा बताया हुआ था, तो ये सब चीज़ें। थैंक यू, बहुत अच्छी मूवी है, कॉमेडी बहुत अच्छी है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, सबकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, आई रियली लव्ड इट। सॉन्ग्स बेसिकली इतने हैं नहीं मूवी, बैकग्राउंड में ज़्यादा चल रहा अच्छे नहीं थे क्योंकि वही स्टोरी को अच्छा आगे बढ़ाए थे, लास्ट सॉन्ग बहुत कैची है, बट आई रियली लाइक द मूवी, बहुत अमेजिंग। नितेश तिवारी ने जो दंगल में भी अच्छी करी थी, यहाँ पर भी अच्छी करी है, एंड सबकी एक्टिंग भी अच्छी है, स्क्रिप्ट अच्छी है, नाइस मूवी, मस्ट वॉच। बेसिकली मूवी का मैसेज तो ये है कि आपको जो आजकल वो पेरेंटल प्रेशर इतना होता है स्टडीज़ और एजुकेशन को लेके, वो साइड रख के आप बेसिकली अपनी चीज़ें भी कर सकते हैं, तो इट्स अ नाइस मैसेज वाली मूवी, सबको देखनी चाहिए, पेरेंट्स को भी और आजकल के स्टूडेंट। आउट ऑफ फाइव आई थिंक आई शुड गिव 5 ओनली, यस, काफ़ी अच्छी थी, अलग थी और बहुत अच्छी थी, सबसे सभी की एक्टिंग अच्छी थी अपने अपने रोल के हिसाब से, वरुण की, सुशांत की, श्रद्धा की, तीनों की अच्छी थी, बहुत अच्छे लग रहे थे, 4.5 ठीक लगी, मतलब बहुत खास नहीं जितना सोच के आए थे, जैसे लगा कि 3 इयर्स देखने जा देखी थी, ऐसे लगे प्रोमो से देखा कि वैसे ही टाइप की बेस पे होगी, तो 3 इयर्स पार्ट 2 होगी, बट टोटली डिफरेंट स्टोरी एक्चुअली। श्रद्धा इज गुड, सुशांत इतना क्लिक नहीं किया, नहीं जमा, वरुण धवन इज क्लास, वो नहीं होता तो पिक्चर पिट जाती। ठीक है, सॉन्ग्स तो हैं सिर्फ खास नहीं है, लेकिन म्यूजिक इज गुड, प्रीतम जी ने अच्छा म्यूजिक दिया हुआ है। हाँ नहीं नहीं उसके जो पंचे से अंदर पिक्चर में 8-10 पिक्चर देख अच्छे, यू एंजॉय दोस, मूवी बहुत ही अच्छी है, पैसा वसूल मूवी है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक्चुअली दिस मूवी इज़ अबाउट लाइफ, इस जिंदगी के ऊपर कहानियाँ, हमारी जो 4 साल की कॉलेज लाइफ होती है जब हम स्कूल से कॉलेज की तरफ जाते हैं, ये उसके ऊपर है, और जो लोग कॉलेज में जाने वाले वो प्लीज़ आके इस मूवी को देखें और मेंटली प्रिपेयर हो जाए, ऐसा आपके साथ भी होने वाला है। कितना याद किया आपने अपने कॉलेज लाइफ? बहुत, मतलब एक चीज़, एक एक सीन जब मैं देख रहा था, मैं अपने ये सब मेरे कॉलेज लाइफ से जुड़े हुए थे, मैं इनफैक्ट मेरे फ्रेंड कॉलेज फ्रेंड के साथ ही आया था, तो जी जी केमिस्ट्री उनकी बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी उनकी रही है। बेस्ट डायलॉग्स इसमें इतने सारे हैं कि मतलब ऐसे मैं चूज नहीं कर सकता, बट काफ़ी सारे बेस्ट डायलॉग्स हैं इसमें, एक्चुअली इसमें पंचेस बेस्ट डायलॉग तो नहीं, लेकिन पंचेस इसमें इतने सारे हैं, इनकी टाइमिंग जिस तरह से एक्टर्स ने भी परफॉर्म किया है, रियली ऑसम, रियली लाइक, 5/5 अच्छी लगी। कहानी अच्छी है, बजट फिल्म है लेकिन फिर भी अच्छी है। याद आई हॉस्टल लाइफ के बारे में, कितना मिस किया आपने अपने दोस्तों? बहुत ज़्यादा मिस किया है। ओके, सुशांत सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसकी भी एक्टिंग अच्छी है, उसकी भी अच्छी है, लेकिन ज्यादा उन लोग से भी ज़्यादा वरुण शर्मा है ना, वरुण शर्मा फुकरे वाला। ओके, और मूवी के जो डायलॉग्स है वो कैसे थे? डायलॉग अच्छे है, कोई कोई डायलॉग थोड़े वल्गर भी है लेकिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन कॉमेडी अच्छी है सबकी। सॉन्ग्स जो लास्ट का जो गाना है ठीक है जी, ओवरऑल आप कितने स्टार दीजिए? 4, बहुत अच्छी लगी फिल्म। मूवी की कहानी कैसी थी? कहानी बहुत अच्छी है, कॉलेज लाइफ के ऊपर है, टू मच फन, बहुत मस्ती है, बहुत हंसी मजाक है, और एंड में बहुत अच्छा क्लाइमैक्स है, बहुत अच्छा मैसेज है, दैट्स ऑल। और सुशांत और जो श्रद्धा
जी बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, ऐसा लग नहीं रहा था वो परफॉर्म कर रहे हैं, सो दे वर रियली गुड ऑन स्क्रीन। जी लास्ट वीक साहू रिलीज हुआ, मुझे क्या लगता है ये साहू को कितना दे पाएगी? डेफिनेटली डेफिनेटली, आप देखिए तो अभी इट विल। सॉरी सॉन्ग्स, सॉन्ग्स आर गुड, सॉन्ग्स आर गुड। ओवरऑल कितने स्टार्स? 5 स्टार्स। सो माइंड ब्लोइंग मूवी, इट्स अमेजिंग। द स्टोरी अबाउट फ्रेंड्स फैमिली एंड कहते हैं ना फ्रेंड्स फॉर एवर, तो वही है। कभी भी छिछोरे फ्रेंड्स जो होते हैं, कमीने दोस्त होते हैं, सॉरी मैं ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूँ बट ये सही है, बट कमीने दोस्त होते हैं वही एक्चुअली ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, जो कभी भी बुला लो रात को 2 बजे 3 बजे दरवाजे के बाहर खड़े मिलते हैं। वो टाइप की मूवी है जो सिर्फ फ्रेंड्स लोगों को ये डेडिकेटेड है। तो आप फ्रेंड्स के साथ नहीं देखते हैं? मैं जहाँ पे हूँ मेरे फ्रेंड्स सब अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं, जैसे कि मूवी में आपको देखने मिलेगा, तो सब फैले हुए थे, सबको इकट्ठा किया। कितना मिस किया आपने दोस्तों? बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया। अभी भी शायद ये वीडियो वो लोग देखेंगे तो उन लोगों को ये बोलना था, लव यू ऑल, मिस यू ऑल सो सो मच, मिस यू ऑल सो मच। बेहतरीन केमिस्ट्री उन लोगों की, जो लव का लव उन लोगों की है बीच में, तो थोड़े बहुत मेरे भी थे, वो भी नज़र आ गए, मैंने भी ऐसे कुछ किए हैं। सो सुबह स्पेशली श्रद्धा कपूर लुकिंग डैम क्यूट, वरुण वो मार देंगे हंस हंस आके, क्योंकि किंग ऑफ कॉमेडी आज के जमाने किंग कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, आपको मार देंगे हंस हंस आके, जो ऐसे उनको ऐसे कैरेक्टर दिया गया जो परफेक्ट उन्होंने निभाया है वो कैरेक्टर को। एंड नितेश तिवारी जस्ट जीनियस डायरेक्टर, जैसे मूवी डायरेक्ट किया है, जस्ट रियली ऑसम। सॉन्ग्स की बात करें तो कैसे लगे? सॉन्ग्स बहुत अच्छे, स्पेशली मेरे दिल को छू गए, जो किसी को प्रपोज करना हो डेट में तो खैरियत, ये गाने से अच्छा गाना तो हो ही नहीं सकती, जब तो किसी को प्रपोज करना हो, इट्स द बेस्ट सॉन्ग टू प्रपोज से निकल। क्या लगता है कितना कलेक्शन कर पाएगी? 200 crore, श्योर। आउट ऑफ 5 कितना? 5 out of 5।